हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज हम इस वीडियो में सैन्य अभ्यास से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ है, यानी पीसफुल मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा। अब बात है रूस की, यानी रूस की कैपिटल क्या है, रूस की कैपिटल है मॉस्को, ठीक है ना। और करेंसी कौन क्या है, रशियन रूबल, रशियन रूबल जो है रूस की करेंसी है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है, व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, कजाकिस्तान, ठीक है ना। अब बात है कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, अस्ताना, कैपिटल क्या है अस्ताना। करेंसी क्या है, काजिस्तानी टेंगे जो है इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति की बात कर जाए यानी प्रेसिडेंट कौन है, तो कासिम जोमार्ट टोकयाव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंग्लैंड होगा, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। अब बात है इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी। और करेंसी क्या है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है त्रिपक्षी नौसेना अभ्यास सिटमैक्स किन देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो सिटमैक्स किन देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच सिटमैक्स आयोजित हुआ है। अब बात है भारत, तो भारत की कैपिटल क्या है, भारत की कैपिटल सभी लोग जानते होंगे न्यू दिल्ली है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब बात है सिंगापुर, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली सियन लुंग जो है, ठीक है ना, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अब बात है थाईलैंड, ठीक है ना, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, ठीक है ना। करेंसी क्या है, थाई बैट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रयुत चान ओचा जो है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, मालदीप और श्रीलंका। अब बात है मालदीप और श्रीलंका की, तो मालदीप की कैपिटल है माले, ठीक है ना। करेंसी क्या है, मालदीप रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है मालदीप के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बात है श्रीलंका, तो श्रीलंका की दो कैपिटल है, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, दो कैपिटल हैं। करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपये है। और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति है रनिल विक्रम सिंघे जो है राष्ट्रपति है। और प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो दिनेश गुणवर्धने जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है सिलिनेक्स नौसेनी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, श्रीलंका और भारत के बीच आयोजित हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, श्रीलंका के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है किस भारतीय नौसेना कमान के अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, पश्चिमी नौसेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड,
ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया नैप पोलेक्स रेक्स के 8वें को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोर मुगागो बंदरगाह, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, गोवा में। मोर मुगावो बंदरगाह गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, फ्रांस। अब बात है फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है एल्जियाबेथ बोर्न। और करेंसी क्या है? करेंसी की बात करें तो यूरो है करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव ने किसने आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NSG, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है ना। तो NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। कब 1984 में? 16 अक्टूबर 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? एम ए गणपति जी हैं डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? नेपाल के बीच, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। अब बात है नेपाल की, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। पीएम कौन है? पीएम है पुष्पा कमल है प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है रामचंद्र है प्रेसिडेंट, ठीक है ना, रामचंद्र है प्रेसिडेंट। और करेंसी की बात करें तो नेपलीज रुपया है करेंसी वहाँ की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। अब बात है अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट USA, तो इसकी कैपिटल क्या है? Washington DC है इसकी कैपिटल। इसकी प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बाइडन है इसके प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और करेंसी की बात करें तो US डॉलर है जो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत और अमेरिका के बीच, यानी डी ऑप्शन राइट होगा भारत और अमेरिका के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रसिया के बीच, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। रसिया के बारे में तो आपको अभी मैंने बताया, सबसे शुरू में बताया, तो आप बता दीजिए कि रूस की कैपिटल क्या है, ठीक है ना। कॉमेंट बॉक्स में आप बताना कि रसिया की कैपिटल कौन है, प्रेसिडेंट कौन है और करेंसी क्या है, या नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और साउथ कोरिया, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय थल सेना द्वारा दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, जैसलमेर राजस्थान में। अब बात है राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, ठीक है ना। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। CM कौन है? अशोक गहलोत जी। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान भारत की एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना त्रिशक्ति कोर द्वारा कृपाण शक्ति एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिम, डी ऑप्शन राइट होगा। बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता। CM कौन है? ममता बनर्जी। CM कौन है? ममता बनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, रूस और चीन। रूस के बारे में तो मैंने अभी बताया है, और चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल क्या होती है, बीजिंग, ठीक है ना, बीजिंग। और करेंसी क्या होती है, रेनमिनबी। करेंसी क्या है, रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट तो सभी जानते हैं, जी जिनपिंग। सी जिनपिंग है आगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त तो विशेष बल खंजर 2022, खंजर 2022 का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किर्गिस्तान, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक। बिश्केक जो है इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम। किर्गिस्तानी सोम है इसकी करेंसी, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है शरद जापरोव। शरद जापरोव जो है उनके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, फ्रांस। बात है फ्रांस, तो अभी मैंने बताया फ्रांस की कैपिटल क्या होती है, पेरिस, ठीक है ना, पेरिस। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। पीएम कौन है, एलिजाबेथ बोर्न। करेंसी क्या है, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओमान, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। अब बात है ओमान, तो ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। मस्कट है कैपिटल, ठीक है ना, मस्कट है कैपिटल। करेंसी है ओमानी रियाल, ओमानी रियाल है करेंसी। और सुल्तान कौन है, तो सुल्तान है यहाँ के सुल्तान है हैथम बिन तारिक, हैथम बिन तारिक जो है ओमान के सुल्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहु राष्ट्र बहु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2000 वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, यूके में वेलिंगटन में, वेडिंगटन में हुआ है यूके में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, भारत के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश की सेना द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास MAMPHEX का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, भारत, ठीक है ना। तो भारत की कैपिटल क्या है, सभी लोग जानते हैं न्यू दिल्ली है भारत की कैपिटल। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट। नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनगढ़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला, ओम बिरला है लोकसभा स्पीकर, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पहला संयुक्त गश्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, मेडागास्कर, ठीक है ना। इसकी कैपिटल क्या है, अंटानारिवो, ठीक है ना। इसकी मुद्रा क्या है, एरियारी, एरियारी इसकी है मुद्रा। प्रधानमंत्री कौन है, एयूजिनी मेंगलाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है, जायद तलवार द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब इमीरेट्स की कैपिटल क्या है, अबूधाबी, अबूधाबी है कैपिटल। करेंसी क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम, दिरहम है इसकी कैपिटल। और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान, अल नहयान, ठीक है ना। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर जायर अल बहार, जायर अल बहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कतर, यानी बी ऑप्शन राइट होगा,
भारत और कतर के बीच आयोजित हुआ है। अब बात है कतर की, तो कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा, ठीक है ना, दोहा। करेंसी क्या है? कतरी रियाल, कतरी रियाल जो है इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शांतिल उग्रसेना युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, बांग्लादेश। अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है कैपिटल। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेशी टाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, शेख हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेयर्ड डेस्टिनी सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेनान प्रांत चीन में, हेनान प्रांत चीन में, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला ड्राई सर्विस युद्धाभ्यास कूड़ांक शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच सशस्त्र बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। अब बात है मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माली है कैपिटल, ठीक है ना। करेंसी क्या है? मालदीव रुपया है, मालदीव रुपया, मालदीव रुपया इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है यहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास CHRU यानी चिरू 2022 का किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, रूस चीन ईरान। अब रूस चीन के बारे में मैंने अभी बता दिया है। अब बात है ईरान, तो ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान, क्या है? तेहरान। राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी, हसन रूहानी है राष्ट्रपति। और मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल, ईरानी रियाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 2022 किन दो देशों के बीच, देशों की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन अमेरिका और बांग्लादेश, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। अमेरिका के बारे में बता दिया है, बांग्लादेश के बारे में बता दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में कैपिटल, प्रेसिडेंट नेम और करेंसी क्या है, ये तीनों कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉरपोरेट 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है EXDUSTELIKE यानी एस डस्ट लिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान यानी ए ऑप्शन राइट होगा। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? क्या कैपिटल क्या है? ताशकंत, ताशकंत जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तान सोम, उज्बेकिस्तान सोम जो है इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? शावकत मिर्जियोयेव, ठीक है ना, इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश की नौसेना द्वारा समुद्री क्षेत्र के राष्ट्रीय हितों के रक्षा के लिए उद्देश्य प्रोपेक्स, प्रोपेक्स यानी TROPEX युद्धाभ्यास का आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लापेरोस, लापेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किन किन संगठन के बीच हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, क्वाड देश। अब बात है क्वाड देश, तो क्वाड देश क्या है? क्वाड देश चार देशों के बीच होने वाली सुरक्षा संवाद का ग्रुप है। क्वाड का मतलब होता है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें चार सदस्य देश हैं, चार सदस्य देश कौन कौन है? इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है ना। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। वे सभी देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों के लिए एकजुट होते हैं, सुरक्षा और व्यापार के लिए एकजुट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39वां है डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नाटो, यानी बी ऑप्शन, नाटो देश के बीच। अब बात है नाटो देश, यानी नाटो यानी हमारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक रक्षा गठबंधन है जो साल 1949 में इसका गठन किया गया था। कब? 1949 में इसका गठन किया गया था। इस संगठन में अमेरिका, यूके, कनाडा और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन देशों में अगर कोई हमला करता है तो सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे और विरोधी देश पर एक साथ हमला करेंगे। समझ गए नाटो देश का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, नॉर्वे में। अब बात है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो है इसकी कैपिटल, ओस्लो। नॉर्वेजियम क्रोनो, नॉर्वेजियम क्रोने है इसकी करेंसी, और प्रधानमंत्री कौन है? एर्ना सोलबर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट होगा जापान, ठीक है ना, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 किन 5 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट होगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र पुलिस, बी ऑप्शन राइट होगा। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना, यानी इंडियन नेवी ने, इंडियन नेवी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोखरण राजस्थान में, ठीक है ना, पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? LAMITIYA 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो लैमिटाई 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, सेशेल्स। तो सेशेल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया है इसकी कैपिटल, इसकी करेंसी क्या है? सेशेल्स रुपया, और राष्ट्रपति कौन है? वेवेल राम कलावन, राम कलावन, वेवेन राम कलावन इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना बेगो सागर 2022 का आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, बांग्लादेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नवल समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट होगा अरब सागर, गोवा, उपयुक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों, यानी अरब सागर और गोवा दोनों में, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।